हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश राइटी। और मध्य प्रदेश की एक और दोस्तों नई भर्ती लेकर आ चुके हैं। दोस्तों यहां पर आपकी जो भर्ती है, मध्य प्रदेश में महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक वाणिज्य कर विभाग में दोस्तों भर्ती होनी है। इसका जो नोटिफिकेशन है यहां पर जारी हो चुका है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका चयन होगा मेरिट के आधार पर, मतलब 12वीं के नंबरों के आधार पर यहाँ पर आपका चयन होना, ठीक है ना। और चलिए हम देख लेते हैं कहाँ से करना है डाउनलोड, और आपका जो आवेदन होना है एमपी उड़ान पोर्टल से। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक ही निवेदन रहता है, चैनल पे आप लोग नए चैनल को लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। चलिए चलते हैं पोर्टल पर। देखिए दोस्तों, आप लोगों को जाना है गूगल पर, यहाँ पर लिखना है आप लोगों को एमपी, ठीक है, igr.gov.in, और आपको करना है सर्च। जैसे ही आप लोग सर्च करोगे और आपके सामने इस तरह का ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। ये रहेगा इसका महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक वाणिज्य कर मध्य प्रदेश आता, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं डाउनलोड। यहाँ से यदि आपको नहीं करना तो आप लोग कहाँ पे जाओगे, बैक करोगे और यहाँ पे आपको जाना आई फॉर्म पे, और यहाँ पे क्लिक करना है एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर। जैसा ये खुल जाएगा आपको करना है स्क्रॉल, ठीक है। लास्ट में देखिए दोस्तों, ये रहेगा आपका लास्ट में यहाँ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये वाला स्टाम्प्स, ठीक, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर ये रहेगा नोटिफिकेशन, और यहाँ पर देखिए जो पद है स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद है। आवेदन 26/9 प्रारंभ हो चुके हैं, 21/10 तक ही चलने वाले। अप्लाई को आपको यहाँ से करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ से आप लोग का यदि पहले से योर आईडी पासवर्ड है तो आप दोस्तों यहाँ पे करें लॉगिन, ठीक है ना। यहाँ पे अपन डाल के लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जिन आवेदकों के नहीं है तो वो करेंगे दोस्तों क्रिएट अकाउंट पर क्लिक, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करो क्रिएट अकाउंट पे, तो इसकी जो लिंक है वो आपको ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप लोगों को अपना नाम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है, कैटेगरी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब दोस्तों आप लोगों को डाल के यहाँ पे करना आप लोग लॉगिन, ठीक है, कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पूरा ये प्रोसेस यहाँ पर दी हुई है। अब दोस्तों चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे रूल बुक पर, जैसे क्लिक करोगे और ये आपके सामने यहाँ पर हो जाएगी ओपन, ठीक है ना। तो हमारे सामने हो रही ओपन है, हमने कल ये क्लिक यहाँ से हो गया डाउनलोड, ठीक है, ये आ चुकी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आ चुकी है। अब देखिए कार्यालय आपका महानिरीक्षक पंजीयन अधीक्षक मुद्रांक मध्य प्रदेश भोपाल से 24 सितंबर को दोस्तों यहाँ पे ये जारी हुआ था आपका ये नोटिस, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पर देखो आओगे तो देखिए ये रहेंगे पद आप लोगों के। पहला रहेगा आपका कौन सा, सहायक स्टेनोग्राफर का, और दूसरा सहायक ग्रेड 3 का। ये रहेंगे दिव्यांग कैटेगरी के रहेंगे, ठीक है। दिव्यांग आवेदक के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही पद यहाँ पर दिए हुए, 21 तक आपको करना अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पर मेन बात रहने वाली है चयन की, चयन कैसे होगा। देखिए चयन यहाँ पर देखोगे आप लोग, ये रहेगी चयन प्रक्रिया। तो देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी का चयन न्यूनतम शैक्षणिकता हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत के अंकों के आधार पर सूची यहाँ पर तैयार यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। आपकी सूची यहाँ पर तैयार की जाएगी। अब कौन कौन सी रहेंगे, यदि मान लो आपके पास 12वीं है तो उसके नंबर काउंट आपके किए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। और यदि आपके पास मान लो CPCT है उसके हिंदी टाइपिंग, वो आपके नाट का काउंट यहाँ पे किए जाएंगे, ठीक है। दोनों में समान अंक मिलते हैं तो जो आयु जिसकी याद होगी वो आपकी जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहेगी चयन प्रक्रिया, ठीक है। और यहाँ पे बात करोगे एज की, तो देखिए 18 से 45 वर्ष एज रखी गई है, और आपकी समस्त शैक्षणिक योग्यता पासपोर्ट आपके पास, सब मूल निवासी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। और आपके जो शुल्क है वो आवेदन का फॉर्मेट चार्ज 250 रुपये प्लस 18% GST लगेगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं योग्यता की। देखिए यहाँ पर तो दोस्तों ये योग्यता हम देखो कि जो रहेंगे स्टेनोग्राफर वाले, उनके लिए 12वीं पास मांगा हुआ है, आपने स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट ऑफ आईटीआई का 100 शब्द प्रति मिनट वो चलेगा इसमें, और आपके पास CPCT के प्रमाण पत्र हो तो आप लोग आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और या तो आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, UGC से प्राप्त हो, ठीक है, या इनमें से पॉलिटेक्निक से हो कोई भी, तो आप लोग आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं, या कोपा भी आपके पास, ठीक है, NCVT, SCVT तो भी कर सकते हैं। दूसरा सहायक ग्रेड 3 के लिए तो 12वीं पास मांगा हुआ है, CPCT मांगा हुआ है, और कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास हो, ठीक है, यहाँ पर या तो कोपा हो ITI से, या डिप्लोमा आपके पास हो या डिग्री हो, ठीक है ना, यहाँ पर संबंधित क्षेत्र में। वेतन की हम बात कर लेते हैं। देखिए स्टेनोग्राफर के लिए 28,700 से प्रारंभ होता है, सहायक ग्रेड 3 के लिए 19,500 से प्रारंभ होता है, 7वां वेतन आपको ये मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ पे। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन पूरी आपको ये करके आपको भेज देना है पूरा, मतलब ऑनलाइन आवेदन करना है। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, थैंक यू।